ver. मुझे छोड़ दीजिए। फालतू बात मत करो, इधर चलो। अब हमें यही परेशान नंगी कर दो। भैया भगवान, मेरे पिस्तौल से निकली गोली तेरे ही बाजू में। कुछ भी हो बहना, मां तेरी जात इन दरिंदों के हवाले नहीं। गोली चला दिया। अच्छा हुआ ये गोली पूर्णमा के दाहिने बाजू में लगी। वो देखो संजय सिंह, पूर्णमा को लेकर वो देखो नदी के पास जा रहा। आओ हम इसका पीछा। ये तो पूर्णमा को लेकर बहते हुए दरिया में छलांग लगा दिया। दोष कूद गया नदी में। अब ये दोनों मर जाएंगे, हमें तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं है। आओ वापस चलते हैं हवेली। आओ हरा। हाँ साथियों, इधर बंगाल देश का जादूगर अपना जादू का खेला दिखाते दिखाते बहादुरगढ़ की सीमा में पहुंच गया। जादूगर भूतनाथ, भूतनाथ, भूतनाथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि जादूगर नहीं आएगा और मुझे जादू का खेल नहीं दिखाएगा। जादूगर आ गया है और आप लोगों को जादू का खेल जरूर दिखाएगा। लेकिन मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को जादू दिखाऊंगा। जादूगर भूतनाथ एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। आराम करते करते उसे नींद आ गई। जादूगर भूतनाथ गहरी नींद में सो गया। सोते में सपना देखा, उसकी आंखें खुल गई, उठकर बैठ गया। सपना देखा। या महाकाली, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये सपना है या कि हकीकत? ठीक, मैं ये रही जादू अंगूठी। मैं इस अंगूठी को अपने हाथ पे रगड़ूंगा और रतन देव को बुलाऊंगा। रतन देव कोई तरकीब मुझे जरूर बताएंगी। आओ रतन देव, आओ आओ आओ, तुम्हारी जोर मुझे पड़ गई। आओ कहो कहो, मेरे लिए क्या हुक्म है मालिक? ये रतन देव है इस अंगूठी के गुलाम। रतन देव कहो मालिक, मैं तुमसे जो पूछूं मुझे साफ साफ बताना। क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। तो सपने में मैंने देखा है ये खूनी महल पुराना है। इस खूनी महल के अंदर में यक बना हुआ तहखाना है। में
एक जलता चिराग पुराना है, चिराग हासिल करने की बस जतन तुम्हें बताना। और जिंद है दरदार रखवाली, चिराग नहीं तुम पाओगे। और गए वहां घर मेरे मालिक, जिंदा ना वापस आओगे। मालिक, और एक तरकीब तुम्हें बताता हूँ, चिराग तुम्हें मिल सकता है। और बच्चों से प्यारी करता है वो, और बच्चों के संग खेलता है। बच्चों से जिंद बच्चों से बहुत प्यार करता है, बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है, हमेशा मस्त रहता है। बच्चों से बहुत प्यार करता है। हाँ, अगर कोई बच्चा वो चिराग लाने जाएगा तो उसे प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां पर बूढ़ावा जवान आदमी जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन रतन देव, वो चिराग मुझे चाहिए, कैसे भी मिले मुझे चाहिए, मुझे उस चिराग के पास लेकर चलो। ठीक है मालिक, आइए मेरे कंधों का सहारा लीजिए, मैं आपको हवा की रफ्तार में लेकर चलूंगा। चलो चलो। या भगवान, काफी समय बीत गया करतार, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए, मेरा दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे बड़े भैया मुझे पुकार रहे हो। दिन बीता भाभी मेरी और बीती गए रे, और भैया ना आए फड़कती गाहिनी दिल मेरा बे। ससुराल जाऊं और लगाऊं पता, बात क्या हो गई। अभी मैं जा रहा हूं बहादुरगढ़, और आप अपना ख्याल रखना। अपना भी ख्याल रखना देवर, जल्दी आना, जाओ
जाओ खुश रहो। या मेरे भगवान, या मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे देवर की रक्षा करना महाराज। दोस्त सरफराज, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। मैं देने के लिए आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? वैसे तो इनाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आप दे रहे हैं तो हम इनाम ले रहे हैं। क्या बोलो? मेरा इनाम आपके पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब मैं उस सकता समझूंगा तो अपना इनाम मांग लूंगा। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ रखिए, हम आपकी हवेली में रहो, क्योंकि जंगल में रहने से मेरे जान की खतरा हो सकती है। दोस्त सरफराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आज से हम दो हुए। इस खुशी में मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगल में शिकार करूं। ठहरो, मैं काफी मेहनत किया, मेरे भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ उसके बाद मैं शिकार खेलने जाऊं। बेटी माला, कोई आधा बेटी आधा। देखो बेटी, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें ले जाओ, भरपेट भोजन कराओ। मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार करने, शाम तक वापस आ जाऊंगा। दोस्त जाओ, अब हमें कोई चिंता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? माला सिंह। माला सिंह, माला सिंह कहिए, तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा, चलो माला सिंह पहले चाय पिलाओ, उसके बाद में गरम गरम फुलके खिलाओ। अरे चाचा जी, भूख लगी है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ चाचा जी, पहले आप चलिए हमारे साथ, चाय पिलाती हूँ और नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद भोजन करवाऊंगी। मुझे विश्वास है माला सिंह, तुम हमारी बहुत सेवा करोगी। क्यों नहीं चाचा जी, चलो चलो घर के अंदर चलो। भोजन बहादुर सिंह, मेरा इनाम।